हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। अभी लोग हम बात कर रहे हैं एंड गेम के बारे में। एंड गेम दोस्तों एक गेम खेलने की एक जबरदस्त आर्ट होती है। एंड गेम में थिंकिंग, कैलकुलेशन, मैथ्स इसमें इन्वॉल्व है। तो एंड गेम, अगर आपको मेरे सारे एंड गेम के वीडियोस देख लोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कभी भी एंड गेम में लॉस नहीं होंगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त मैं पोजिशन आपको दिखाता रहता हूँ। अभी ये पोजीशन आप जैसे देख सकते हो कि दोनों के किंग हैंगिंग है, मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई भी किंग अपने सामने वाले के पॉन को छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कि आप देख सकते हो कि व्हाइट का किंग अगर D4 के बाद D5 चला गया तो ये पॉन प्रमोट हो जाएगा, तो व्हाइट का किंग ये एरिया नहीं छोड़ सकता और ब्लैक का किंग ये एरिया नहीं छोड़ सकता। तो पोजिशनली प्ले में क्या होता है, कई बार ऐसे गेम में दोनों प्लेयर हाथ मिला लेते हैं और ड्रॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये पोजिशन में व्हाइट कैन विन दिस गेम। तो कैसे जीतना है और कैसे किंग का रूट पसंद करना है, वन बाय वन सारे मूव्स में आपको बताऊंगा, पूरी स्टडी करके करने के साथ में। तो सबसे पहले व्हाइट टू प्ले है तो व्हाइट किंग D4 खेलेगा। अब देखो, ब्लैक का पॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि किंग टेक्स पॉन हो सकता है, तो सिंपल व्हाइट विन हो जाएगा। तो ब्लैक के पास फोर्स मूव कौन सी है बताइए मुझे, क्योंकि किंग टेक्स H2 भी पॉसिबल नहीं है, वरना G4 पॉन प्रमोट हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक के पास किंग G4 के अलावा कोई मूव नहीं है, तो इसका फायदा व्हाइट को मिलेगा, किंग G4। अब व्हाइट के पास कौन से बेस्ट मूव है, यहाँ पे H4। व्हाइट अपना पॉन आगे बढ़ा सकता है क्योंकि किंग टेक्स G3 अब पॉसिबल नहीं है, तो H4 व्हाइट के एक्स्ट्रा मूव मिली। अब ब्लैक अगर किंग H3 गया तो ये पॉन विन हो जाएगा, तो ब्लैक के पास किंग H5 के अलावा और कोई मूव मेरे हिसाब से नहीं बचते। तो किंग H5 के बाद यहाँ पे आपको खेलना है किंग E3। दोनों साइड कंट्रोल करके व्हाइट अपने इस पॉन को भी प्रमोट करेगा और इस पॉन को भी कंट्रोल करता रहता है, दोनों साइड की मूव व्हाइट यूज करता है। ब्लैक खेलेगा किंग G4 फिर से। अब यहाँ पे किंग E4, फिर से दोनों साइड कंट्रोल, इधर भी और C4 पे भी कंट्रोल है। अब ब्लैक को क्या खेलना है, कंपलसरी मूव है किंग H5। अब यहां पे व्हाइट किंग F4 खेल सकता है क्योंकि अभी भी ये पॉन के बर्गर स्क्वायर में किंग है। अगर ब्लैक ने चाहा कि पॉन C3 हो जाएगा तो सिंपल वापस आ जाएंगे और ये दोनों पॉन को तो ब्लैक कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, तो यहां पे किंग F4 इज पॉसिबल मूव। तो ब्लैक के पास क्या होगा, यहाँ पे किंग E4, उसके बाद किंग H6 सपोज ब्लैक ने खेला, तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा G4, उसके बाद किंग G6 और यहाँ H5 चेक, किंग H6, उसके बाद किंग F3। एक ये वेटिंग मूव है ट्राइंगल मूव पास करने के लिए, क्योंकि इधर भी कंट्रोल करना है। जैसे भी अगर C3 किया तो सिंपल किंग E3 करके कंट्रोल हो जाएगा बर्गर स्क्वायर में। तो यहां पे ब्लैक खेलेगा किंग G5। किंग G5 के बाद किंग E4 वापस, अब मूव पास हो गया और किंग हो जाएगा H6 और यहां पे किंग F4। मूव बदल बदल के आपने स्क्वायर कंट्रोल किया है और F4 स्क्वायर अपने हाथ में ले लिया है, और यहां ब्लैक को खेलने पड़ेगा किंग H7। किंग H7 के बाद व्हाइट खेलेगा G5, किंग G7 और यहां पे G6, ना कि H6, G6 इज द बेस्ट मूव। अब यहां पे किंग F6 आता है, किंग F6 के बाद किंग किंग E4 वेटिंग मूव और इसे कंट्रोल। अब ब्लैक के पास ओनली मूव है किंग G7 और उसके बाद किंग F3। अब ब्लैक किंग H6 अगर आता है या फिर F6 समझ लो, उसके बाद किंग F4 मूव ट्राइंगल, अब किंग G7 और उसके बाद किंग G5। अब ये पॉन से व्हाइट का किंग हट गया है, तो यहां पे आप समझोगे कि ये पॉन से क्यों छोड़ दिया व्हाइट, क्योंकि व्हाइट
मूव चेंज करके विनिंग करना चाहता है और आसानी से विन हो रही है। उसके बाद C3, ब्लैक विल प्ले C3 और यहां पे H6 चेक सेक्रीफाइस, सॉरी यहां पे किंग G5 खेला था व्हाइट ने। C6 के बाद H6 चेक, किंग G7 या G8 समझ लो, यहां पे किंग F6। अगर ब्लैक C2 पॉन मूव करता है तो H7 चेक, ब्लैक अगर इधर जाता है तो H8 क्वीन चेकमेट और किंग H8 फोर्स मूव है, और फिर G7 चेक, किंग टेक्स H7 और यहां पे किंग F7, C1 क्वीन, दोनों की क्वीन बन रही है लेकिन चेक के साथ व्हाइट की क्वीन बन रही है, तो G8 क्वीन, किंग के पास ओनली मूव है H6 और सिंपल क्वीन G7 चेक, सॉरी यहां पे क्वीन C8 पे क्वीन बनी थी, हाँ तो यहां पे किंग क्वीन G6 मेट ही है दोस्तों। तो कुछ मूव्स मैंने एडजस्ट सेटअप करने में प्रॉब्लम किया है, तो सॉरी फॉर दिस। चलिए अब दूसरी पोजीशन भी आपको बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ऐसी ही पोजीशन है, जैसे कि हमने लास्ट गेम में देखा सेम इसी तरह इसमें भी व्हाइट चेकमेट कर सकता है सेम इसी तरह, लेकिन व्हाइट का भी एक प्रॉब्लम है कि किंग D4 छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता, वरना D3 D2 एंड D1 क्वीन, लेकिन इसमें भी व्हाइट के पास बहुत ही बढ़िया होप है, कॉर्नर पे अपोनेंट का किंग होता है, दो कनेक्टेड पॉन होते हैं, तो आप कैसे इसमें गेम विन कर सकते हो। सबसे पहले B5, अब ब्लैक पॉन कैन नॉट मूव, तो ब्लैक खेलेगा किंग A7, उसके बाद B6 चेक, अगर किंग A6 गया फिर किंग B4, यहाँ पे कंट्रोल करने के बाद अब ब्लैक को किंग B7 फोर्स मूव और यहाँ किंग B5 आफ्टर D3 BA6 चेक और किंग C6 आफ्टर D2 A7 चेक, किंग के पास फोर्स मूव है B7 चेक, किंग टेक्स A7 देन किंग C7 और यहाँ पे ब्लैक की क्वीन प्रमोट होने देनी है। ऐसी बहुत सारी गेम्स होगी आपकी गेम में दोस्तों, और इसी प्रकार आप विन भी हो जाएंगे। B8 क्वीन मेट इन टू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सिंपल B8 क्वीन देन क्वीन B6 चेकमेट। तो ये सेम पोजीशन थी, थोड़ा सा जो अपोजिशन चेंज हो गया था बोर्ड का, क्वीन साइड थी उसमें हमने देखा था वो किंग साइड की गेम थी। अब दोस्तों देखेंगे स्टेलमेट के बारे में, बहुत सारी पोजीशन से मेरे पास जिसमें आप कई गेम लॉस होने से बच जाते हो अगर आपको स्टेलमेट की पोजीशन करनी है तो। अगर इस पोजीशन में आप देखना चाहे तो व्हाइट का किंग थोड़ा सा प्रेशर में, मतलब ब्लैक का किंग थोड़ा प्रेशर में है, दबा हुआ है, और व्हाइट के किंग को एंट्री भी मिल रही है सिंपल, धीरे धीरे व्हाइट कैन विन दिस गेम। अगर ब्लैक ने कुछ मिस्टेक कर दी, जैसे कि किंग ब्लैक का टर्न है, अगर किंग C7 पे खेल लिया तो यहाँ पे सिंपल विनिंग है व्हाइट के पास। अब इस विनिंग में से ड्रॉ कैसे निकालना है, स्टेलमेट की पोजिशन कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ब्लैक को खेलना है किंग B6। अब व्हाइट ऑब्वियस मूव है किंग D6 खेलेगा, उसके बाद पॉन A6, व्हाइट का किंग जैसे ही D5 खेलता है और यहां आपको किंग A5 पे चले जाना है। अब अनकैप्चरेबल दिस मूव, अनस्टॉपेबल चेकमेट आपने देखी थी, तो ये अनकैप्चरेबल मूव है, क्योंकि अगर व्हाइट ने किंग टेक्स पॉन किया तो स्टेलमेट हो रही है, ब्लैक के किंग के पास कोई होप नहीं है, तो व्हाइट का किंग इस पॉन को कैप्चर भी नहीं कर पाएगा और इस सिचुएशन में आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों एक और स्टेलमेट की गेम देख लेते हैं, थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन और लंबे मूव वाली गेम है, गेम आगे चली थी, व्हाइट ने यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया था पॉन D4, तो ब्लैक ने रिप्लाई दिया था पॉन टेक्स पॉन नहीं, क्योंकि ये भी सबसे पॉन कंट्रोल है और उसका व्हाइट का ये पास पॉन बनाने का आइडिया है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया था नाइट G6 यहाँ पे, और
व्हाइट ने खेला था पॉन टेक्स पॉन, ब्लैक ने पॉन टेक्स पॉन, उसके बाद ये पॉन प्रमोशन नॉट पॉसिबल क्योंकि नाइट आके कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे ब्लैक ने बिशप टेक्स नाइट किया था, किंग टेक्स बिशप, और ये जो पास पॉन है उसके हिसाब से व्हाइट को लग रहा था वो गेम जीत रहा है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला था किंग एफ टू, किंग एफ टू के बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया था किंग एफ सिक्स, व्हाइट प्लेड किंग जी थ्री, ब्लैक ने खेला था किंग सॉरी किंग जी फाइव, पहले कंट्रोल किया है किंग एच थ्री, उसके बाद किंग एफ फाइव, किंग एच फोर, अगेन किंग जी सिक्स, व्हाइट ने डी सिक्स पॉन सेक्रीफाइस किया, ये पॉन कैप्चर करके आइडिया है, किंग एफ सिक्स ब्लैक ने उसे कंट्रोल करना जरूरी समझा, किंग टेक्स एच फाइव, किंग ई सिक्स, किंग जी फाइव, किंग डी सिक्स, किंग एफ फाइव, फिर भी व्हाइट की पोजीशन स्ट्रांग है क्योंकि व्हाइट के किंग को एंट्री मिल रही है, ब्लैक के किंग को नहीं मिल रही है, तो इसका फायदा व्हाइट लेगा। लेकिन ब्लैक स्टेलमेट ढूंढ के लाया है इस गेम में, तो वो देखते हैं हम। किंग एफ फाइव के बाद किंग सी सिक्स, व्हाइट प्लेड किंग ई फाइव, देन किंग बी सिक्स, किंग डी फाइव, देन किंग ए फाइव, और वही पोजीशन इससे पहले मैंने आपको बताई थी, शायद से इसी गेम की पोजीशन ली हुई है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाइट किंग कैन नॉट कैप्चर दिस पॉन बिकॉज ऑफ स्टेलमेट। तो ऐसे आप बहुत सारी गेम स्टेलमेट भी कर सकते हो, हारी हुई गेम जो आप हारने वाले हैं उसको स्टेलमेट करके बचा भी सकते हो। जल्द ही मिलेंगे और भी बहुत सारे एंड गेम के साथ, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।